अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है। आज मैं आपके साथ पायों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लाहौरियों को तो पाए वैसे ही बहुत पसंद है, मशहूर है पायों का नाश्ता यहाँ पे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें चाहिए सबसे पहले 6 अदद पाए, सूखा धनिया चाहिए 1 चम्मच, हमें कड़ी पत्ता चाहिए 2, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा, ये सब साबुत मसाले जाएंगे। 1 चम्मच नमक चाहिए था, प्याज चाहिए था हमें 2, 1 पूरा लहसुन चाहिए था। मैंने किया था पानी में इन सब चीज़ों को डाल के इनको 4 घंटों के लिए पकाया था। पहले एक बॉईल आने दिया था और फिर हल्की आँच में इनको रख दिया था। मैंने ये 12 बजे रखे थे पाए और सुबह फजर के टाइम मैंने इनका चूल्हा बंद किया था हल्की आंच में। तो ऑलमोस्ट इसकी यखनी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो मैंने पायों को यखनी को अलग अलग कर लिया था। अब हम लोग इसको ग्रेवी के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं। हमें चाहिए था प्याज, मैंने प्याज लिया, प्याज को सबसे पहले फ्राई किया, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। दूसरी तरफ मैंने दही और टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था, ये उसका मिक्सचर ऐड करूँगी मैं अब इसमें। अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। फिर हमें चाहिए था नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, पाया मसाला, 1-1 चम्मच मैंने इन सब मसालों का लिया। सारे मसाले ज़्यादा ऐड किए मसाले में, अच्छे तरीके से इसको पकाया, इसकी भुनाई की मैंने अच्छे तरीके से। आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि ना मसाला अच्छे से पक जाए, इसके अंदर जब ऑयल आने लग जाएगा था फिर हम इसमें पाया ऐड करेंगे और यखनी ऐड करेंगे। मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं पाया ऐड करूँगी और जो यखनी मैंने पहले से निकाल ली थी उसको मैं ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच घुमाऊँगी मैं, इसको 1 उबाले तक पकने दूँगी ताकि जो यखनी का और मसाला जो है आपस में रच जाए। कि ऑलमोस्ट उबाला आ गया, 1-2-3 उबाले दिलाए थे मैंने ताकि जो शोरबा है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाए। ये जी हमारे लाहौरी देसी पाए तैयार हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत यम्मी बनेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।